दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु बहुत सारे लोग सावन के महीने में बहुत सारी चीजों को करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीजें ऐसी दुर्लभ होती हैं, खास करके अगर सावन के महीने में इन्हें प्राप्त कर लिया जाए तो इससे जीवन में खुशियां बढ़ती ही चली जाती हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, गृह कलेश हुआ रहता है, जिससे काफी लोग तो अपने घर में ही उनका मन नहीं लगता है और कोई भी कार्य अगर वह करते हैं तो धन की उन्हें हानि होती है, कर्ज की समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं और शत्रु आजकल तो इतना ज्यादा परेशान करते हैं। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के ही रिश्तेदार उनसे शत्रु जैसा स्वभाव करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं तो सिवाय बेइज्जती के उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह जितनी भी समस्याएं होती हैं यह केवल ग्रहों के दोष के कारण होती हैं और नकारात्मक शक्तियां जो आसपास घूमती रहती हैं यह ऑरा पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं, तो इनको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। कुछ चीजें बड़ी दुर्लभ होती हैं जो सावन के महीने में प्राप्त कर लेनी चाहिए, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देख लें कि वह कौन कौन सी चीजें हैं और उनके क्या क्या अलग प्रभाव मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, और आपने काफी लोगों को ऐसा देखा भी होगा कि सावन के महीने में कांवड़ लेकर आते हैं, गंगा जल अपने घर में लाते हैं, तो ऐसा बड़ा ही ज्यादा सौभाग्यशाली बताया गया है। आप सावन के महीने में गंगा जल अपने घर में अवश्य ही लाया करें। केवल अगर इतनी सी चीज आप करते हैं तो इससे घर में प्रेम बना रहता है, घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ता रहता है तो वह भी ठीक होने लग जाता है। बल्कि सावन के महीने में अपने घर में गंगा जल का नित्य प्रतिदिन आप छिड़काव किया करें, इससे लाभ ये होता है कि घर में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में आप गंगा जल को लाकर इसे अपने घर की किचन में जरूर ही स्थापित कर दें, क्योंकि घर की किचन से ही सभी लोग खाना खाते हैं, ऊर्जाओं की प्राप्ति करते हैं और वहां पर गंगा जल का होना बेहद आवश्यक है। अपने घर की जो रसोई है उसे बिल्कुल आप ऐसे देखा करें कि जैसे ये बिल्कुल घर का मंदिर है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने घर की जो उनकी रसोई होती है कोई वहां पर नहीं जाता है, तो इतनी ज्यादा गंदी अपनी रसोई करके रखते हैं कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर की रसोई में ही वास करने लग जाती हैं, और फिर जब वह खाना बनाते हैं तो उसी खाने में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और वही खाना घर के सभी लोग खाते हैं तो उनका मन भी वैसा ही हो जाता है, बीमारियां उन्हें पकड़ने लग जाती हैं, नकारात्मक उनका स्वभाव हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले वो हो जाते हैं, हमेशा ही चिंता और परेशानी उन्हें सताती ही रहती है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि जिस प्रकार आप अपने घर के मंदिर को साफ सफाई करके रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अपने घर की किचन को भी उसी प्रकार साफ सफाई करके रखा करें और गंगा जल स्थापित करके रखा करें। बल्कि सुबह आप जाते हैं तो गंगा जल का छिड़काव किचन में अवश्य ही किया करें। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको अगर आप पालन करेंगे तो इससे निश्चित ही सौभाग्य जीवन में आता ही है। अब दूसरी चीज है रुद्राक्ष। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला लाकर घर का जो मुख्य कमरा है उसमें आप इस माला को स्थापित कर दें, या फिर भगवान शिव की कोई भी मूर्ति लगाकर आप वह रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को पहना दें। ऐसा करने से वहां पर रह रहे लोगों की किस्मत तुरंत ही बदलने लग जाती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार के लोगों का मान सम्मान बढ़ता है और रुद्राक्ष रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर भागने लग जाती है, तो ये आप अवश्य ही कर सकते हैं। अब तीसरी चीज है भस्म, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। बल्कि काफी साधनाएं ऐसी होती हैं जो सावन के महीने में करके खास भस्म तैयार की जाती है और उसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, जीवन में मान सम्मान धन की प्राप्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वो भस्म कैसे बनानी है ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो ये आपको समय पर सबसे पहले मिला करे, वीडियो मिस ना हुआ करे। तो भस्म एक बड़ी ही ज्यादा ऐसी खास चीज है जो भगवान शिव को अति प्रिय है और भस्म के ही माध्यम से काफी सारे संकटों का नाश किया जा सकता है, मनोकामनाएं पूर्ण करवाई जा सकती हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ाई जा सकती है और वशीकरण सम्मोहन जैसी क्रियाएं भी की जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए साधना करनी पड़ती है, वो साधना आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बता देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार चौथी चीज है चांदी का त्रिशूल। आपको बता दें कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है और चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक ग्रह माना गया है, यानी कि मन जब इधर उधर बहुत ज्यादा भागता है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे में यह संकेत करता है कि उन लोगों का
चंद्र ग्रह बिल्कुल खराब हो गया है। चंद्र ग्रह का काफी ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है, बल्कि इंसान के जीवन पर ही क्या, पेड़ पौधे और समुद्र पर भी पड़ता है, नदी पर भी पड़ता है। यही वजह है कि हाई टाइड और लो टाइड समुद्र में होता रहता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि चंद्र ग्रह का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जैसा हमने पिछले वीडियोस में आपको काफी बार बताया है कि इंसान का जो शरीर होता है वो भी 75% केवल पानी ही होता है। यही वजह है कि वह आसपास की ऊर्जाओं से प्रभावित होता रहता है और अपने आप को चिंता और दुख में डालता रहता है, क्योंकि उसके ऑरा पर अदृश्य शक्तियां अपना प्रभाव बड़ी आसानी से डाल देती हैं, बल्कि जितने भी ग्रह होते हैं इसी प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको चांदी का कोई भी छोटा सा त्रिशूल लाकर बस इसे आप अपने ड्राइंग रूम में स्थापित कर दें। इसका लाभ ये होता है कि घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो बिल्कुल डर कर भाग जाती हैं और उस घर में रह रहे लोगों का मन जो होता है वह बहुत ही ज्यादा शांत रहने लग जाता है। त्रिशूल जो होता है सभी परेशानियों को अंत करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार डमरू भी सावन के महीने में आप लाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का वाग यंत्र है जिसकी ध्वनि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर करती है, बल्कि इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। बल्कि रोज शाम के समय खास करके घर में अगर डमरू बजाया जाता है, जिस प्रकार शंख बजाया जाता है सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार डमरू भी बजाया जाता है नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए। यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यह सुख और समृद्धि को बिल्कुल खा जाती हैं और इनका भोजन बिल्कुल दुख और कष्ट ही होता है। यही वजह है कि जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं वहां पर लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन से सब कुछ वे बिगाड़ देती हैं और दुख और कष्ट ही देती चली जाती हैं जिससे वे भरपूर भोजन कर सकें। तो इन्हीं नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए डमरू की जो ध्वनि होती है वह बिल्कुल एक रामबाण की तरह कार्य करती है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है, घबराता है, लेकिन अगर उसे डमरू की आवाज रोज सुनाई जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निडर बन जाता है। आपको ये भी बता दें कि ध्वनि जो होती है ये सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर डालती है। बहुत सारी ऐसी वेव्स होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जो इन वाघ यंत्रों से प्रकट होती है। बिल्कुल इसी प्रकार वीणा भी होती है, बांसुरी भी होती है, लेकिन डमरू की जो ध्वनि होती है वह बिल्कुल मन को शांत और शून्य करने के लिए विशेष बताई गई है। यही वजह है कि जब भी भगवान शिव को अति क्रोध आता है तो वह बस डमरू बजाने लग जाते हैं जिससे उनका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो यही जो कमाल होता है डमरू की ध्वनि में होता है, बल्कि इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार पड़ता है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता है, लाखों जगह आप दिखाते रहते हैं, बहुत सारा खर्च करते रहते हैं, दवाइयां नहीं लगती हैं, तो बस आप रोज आधे घंटे एक घंटे डमरू की ध्वनि उस व्यक्ति को सुनाना शुरू कर दें। इससे व्यक्ति की उम्र काफी बढ़ जाती है और हर एक प्रकार के रोग से वह मुक्ति पाने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार चांदी का कड़ा होता है जो कि भगवान शिव अपने पैरों में पहनकर रखते हैं, ये भी काफी ज्यादा विशेष बताया गया है। इसे भी आप अपने घर में स्थापित करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नाग और नागिन का जो जोड़ा होता है, चांदी का छोटा बना हुआ नाग और नागिन आप लेकर आ सकते हैं और इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे आपको दबा देना है। ऐसा करने से उस घर में जितने भी रुके हुए कार्य होते हैं वे बिल्कुल बहुत तेजी से संपन्न होने लग जाते हैं, यानी कि जितनी बाधाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। बल्कि पहले जमाने में यह एक क्रिया होती भी थी कि जब लोग नया घर बनाते थे तो नींव में चांदी के नाग और नागिन दबा देते थे जिससे जितनी भी बाधाएं हो वो बिल्कुल भी ना आए और सारी रुकावट उनके जीवन से समाप्त हो जाए। तो इसी प्रकार आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और उसके नीचे मिट्टी के नीचे ये नाग और नागिन आपको दबाने हैं। इससे घर का जितना भार होता है वह नाग और नागिन पर चला जाता है और घर के लोगों पर कोई संकट नहीं आता है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसा करते हैं, मिट्टी में ये चीजों को दबाते हैं, तो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का जाप अवश्य ही करते हुए ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। यह बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताई है। इस जानकारी को अवश्य शेयर कर दें जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सके और आपके गुड कर्मास बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे जब भी वीडियो आती है तो समय पर आपको सबसे पहले मिलती रहा करे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।